नमस्कार नमस्कार। अभी मुझे कॉल आया और कॉल आने के बाद यहाँ पे आके देखा मैंने स्पॉट पर, तो यहाँ पे कोने में जगह है जहाँ पे शू का रैक है और रैक के कोने में एक सांप बैठा है, तो मैंने वहाँ पे उसको चेक कर लिया है। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिप्ट किल बैक, मराठी में उसको नानेटी बोलते हैं। नॉन वेनमस है, नॉन पॉइजनस है, और ये जो अभी वक्त होता है, ये वक्त जो उनका होता है अभी वो मीटिंग पीरियड का होता है, इसकी वजह से वो बाहर निकलते हैं और इधर उधर घूमते हैं। और ये सांप का कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, इसमें बिल्कुल जहर नहीं होता और ना ये काटने की कोशिश करता है, और गलती से काट भी लिया तो नुकसान कुछ नहीं है। तो उसको पहले मैं रेस्क्यू करता हूँ, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आप देख सकते हो वो किस तरह यहाँ पे बैठा हुआ है, और इसकी एक बात ऐसी है कि बहुत सारे लोग इसको ट्रिंकेट स्नेक समझते हैं, तस्कर समझते हैं, क्योंकि तस्कर से काफी मिलता जुलता है, लेकिन ये तस्कर नहीं है। इसको इंग्लिश में स्ट्रिप्ट कील बैक बोलते हैं, नॉन वेनमस सांप है। आपको एक बार मैं जरा करीब से दिखा देता हूँ मैं, तो आप इसको एकदम करीब से मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बोलते हैं स्ट्रिप्ट कील बैक, ट्रिंकेट स्नेक से काफी मिलता जुलता है, और बहुत ही शानदार और बढ़िया सांप है ये। इस मौसम में काफ़ी बाहर निकलता है ये, तो आप इसको गौर से देख सकते हो। इसका जो डिज़ाइन है ट्रिंकेट स्नेक से काफ़ी मिलता जुलता है, नॉन वेनमस है, नॉन पॉइजनस है, बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है ये। तो इसको पहले मैं रेस्क्यू करता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूँ। पकड़ता नहीं तो आप देख सकते हो इसको मैंने अभी रेस्क्यू किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देता हूँ आपको मैं। एकदम कट्टू कट गया, अरे जब मैं सांगल तब एकदम जवळून सापच आले। तो आप देख सकते हो इसको मैंने सही सलामत रेस्क्यू किया, और आप लोग को भी इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। इधर यहाँ पे आइए सामने, इकड़े घबराने की जरूरत नहीं है, नॉन वेनमस सांप है, कोई भी सांप जहरीला नहीं होता। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, भारत में 95% जो सांप है वो पॉइजनस नहीं है, खाली 5% जो सांप है वो भी पॉइजनस है, और वो भी जब उसके ऊपर किसी का पाँव आता है और कोई उसको अगर ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है तभी वो काटता है, वैसे वो काटता नहीं। तो अभी फिलहाल मैं इसके बारे में आपको बोलता हूँ। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिप्ट कील बैक, मराठी में नानेटी बोलते हैं इसको, और इसको हिंदी में इसका जो नाम है इसको सीतालट नाम से ये जाना जाता है, सांप सीतालट। और ये जो है काफ़ी ट्रिंकेट से मिलता जुलता, लेकिन इसकी पहचान मैं आपको बोल देता हूँ। इसके ऊपर, इसके शरीर के ऊपर दो आपको लाइनिंग्स एक साथ दिखाई देगी, और ये जो लाइन रहती है ये या तो व्हाइट कलर की या तो हल्की पीले कलर की आपको दिखेगी। और इसकी दूसरी एक पहचान बताता हूँ, इसके आपको गर्दन को देखना है, जब आप इसकी गर्दन देखोगे तो आपको इसको पता चल, इसकी गर्दन जो होती है पीली होती है नीचे से, ये देखो पीली। अभी ये बाइट ले रहा है मुझे काफ़ी ज़ोरदार, अभी ये चिढ़ गया, डर गया, तो इसने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया है। नॉर्मली ये बाइट लेता नहीं ऐसा, तो अभी इसने काफ़ी ज़ोरदार मुझे पकड़ लिया क्योंकि ये घबरा चुका है अभी। अभी ये जल्दी छोड़ेगा नहीं मुझे। देखिए आप किस तरह इसने ज़ोर से बाइट ली है। तो सांप कोई भी हो, जब उसको खतरा महसूस होता है तो वो ज़ोरदार बाइट लेता है अपने आत्मरक्षा के लिए, यह दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। और बहुत ज़ोरदार, काफ़ी ज़ोरदार बाइट ले रहा है वो, मुझे इससे तकलीफ तो होती है लेकिन अभी उसको मैं खींच नहीं सकता, अगर मैंने खींचा तो उसके दांत टूट सकते हैं। कट कर क्या लगा सर? तो आप देख सकते हो कि उसने मेरे उंगली पे किस तरह ज़ोरदार बाइट लिया, आप मेरी उंगली देख सकते हो। और इसकी जो बाइट रहती है, थोड़ा पीछे, इसकी जो बाइट रहती है ये काफ़ी पावरफुल रहती है, कोई भी सांप हो जब वो गुस्से में काटता है तो काटने के बाद उसकी जो बाइट रहती है काफ़ी पावरफुल रहती है। तो अभी इसने मुझे बहुत ज़ोरदार बाइट ली है, तो ये दिखाने का मतलब ये है कि कोई भी सांप को मजाक में मत लो। अगर कोई सर्प मित्र जो नया इस लाइन से जुड़ा है, अगर वो किसी सांप को पकड़ने की कोशिश करता है और उसको अगर ये पता है कि वो वेनमस नहीं है और ज़बरदस्ती उसको पकड़ के उसके साथ स्टंट करने की कोशिश करता है तो वो धोखादायक है, वो काट सकता है और हार्ट अटैक से आपकी मौत हो सकती है। और इससे ये, इसकी जो, इसने जो मुझे काटा है तो उसमें दर्द काफ़ी तेज़ है, बहुत ज़ोरदार बाइट ली इसने मुझे। वैसे नॉर्मली ये कभी बाइट लेता नहीं है, लेकिन आज पता नहीं शायद मेरा बाइट लग सकता है। तो आप देख सकते हो
स्ट्रिप कील बैक, इसको स्ट्रिप कील बैक बोलते हैं मराठी में। तो एक बार मैं वापस आपको नजदीक से दिखा देता हूँ, इसको आप अच्छी तरह देख लो। इसको अच्छी तरह एक बार देख लो, इसका पहचानने का एक ही तरीका है। ये ट्रिकेट की तरह दिखता है, तस्कर सांप की तरह दिखता है, लेकिन तस्कर नहीं है। इसकी गर्दन को देखना है, जब आप इसकी गर्दन को देखोगे तो इसकी जो गर्दन का निचला हिस्सा होता है वो पीला होता है, तो उसकी गर्दन देख के आप पहचान सकते हो। अभी आप काफ़ी गुस्से में है, ये बाइट के मूड में है। अभी आपको एक बार उसकी गर्दन दिखा देता हूँ मैं, आप इसकी गर्दन को नज़दीक से देखो। गर्दन इसकी नज़दीक से गर्दन दिखाई दिख रही है परफेक्ट। हाँ, तो इसके आप गर्दन देख सकते हो, इसके गर्दन का जो निचला हिस्सा रहता है वो पीले कलर का रहता है। डिज़ाइन जो है तस्कर से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसके पूरे शरीर पे डिज़ाइन रहते हैं, और इसके पूरे शरीर के ऊपर आपको ऊपर साइड में दो लाइनिंग्स दिखाई देगी ब्राउन कलर की, और कभी कभी थोड़ी सी हल्की वाइट कलर की भी लाइनिंग्स होती है। तो स्ट्रिप कील बैक नॉन वेनेबल सांप है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको सही सलामत हम लोग छोड़ देंगे। अभी इनका सीज़न है और ये अभी काफ़ी मात्रा में निकलेंगे अभी, और इनका बेटिंग पीरियड रहता है ये, तो इसको अभी सही सलामत हमने रेस्क्यू किया, इसको नेचर में वापस छोड़ देंगे। और दूसरी बात, और लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके पर्यावरण के बारे में आप थोड़ा सा सोचो, जितना हो सके पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, क्योंकि ये बात सुनने में थोड़ा सा आदमी को अटपटा लगता है, सामने वाले को लगता है शायद सामने वाला कुछ अलग बात कर रहा है, लेकिन ये जो बात सही है, जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, पर्यावरण का जो है रक्षा करना अपना काम है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण की रक्षा करता है, ये हमारा इको फ्रेंड है। ये चूहे को खा के, मेंढक को खा के, छिपकली, गिरगट, इन सबको खा के, ये हमारे जो आसपास की गंदगी है ये उसको साफ करता है। तो सांप का काम यही है, सांप हमारा इको फ्रेंड है, तो इससे डरो मत। और अगर कोई पौधना सांप है, जब उसके ऊपर किसी का पाँव आता है या ज़बरदस्ती आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तभी वो बाइट लेता है, ऐसा कोई सांप खुद होकर किसी को काटता नहीं। हर वीडियो में आपको मैं बोलता हूँ। फिलहाल मेरे हाथ में जो है, एक बार फिर बता देता हूँ, स्ट्रिप्ड कील बैक मराठी में नानीटी, हिंदी में सीतालट सांप, और इसको सही सलामत हम लोग अभी नेचर में वापस छोड़ देंगे। और इसके बारे में थोड़ा सा एक और बता देता हूँ कि इसकी जो लंबाई होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 फुट तक बढ़ता है, 3 फुट के आगे बढ़ता नहीं। और इसकी जो चौड़ाई होती है ये हमारी जो उंगली होती है, हमारी जो छोटी उंगली बोले या हमारी जो रिंग फिंगर होती है बीच की उंगली, तो ये उंगली से ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा मोटा नहीं होता, इसकी लंबाई इतनी होती है। और ये ज़्यादातर छोटे साइज की जो मेंढक है, मेंढक इसका मनपसंद शिकार है, तो इसको आप पहचान लो, कभी आपको ऐसा दिखे तो इसको ट्रिंकेट तस्कर समझ के उसको उठाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तस्कर सांप और इसके अंदर काफ़ी फ़र्क है, डिज़ाइन मिलता जुलता है, लेकिन ये गुस्से में आया तो काफ़ी ज़ोरदार बाइट लेता है, आपको मैंने अभी दिखाया, और काफ़ी तेज़ दर्द होता है। तो आप इसकी गर्दन को आप देख लो, कभी आपको दिखा तो इसकी गर्दन आप पहचान लो, इसकी जो गर्दन होती है वो पीले कलर की होती है, देखिए गर्दन का इसका जो निचला हिस्सा है वो आपको पीले कलर का दिखेगा, नज़दीक से दिखाई, आप इसकी गर्दन का निचला हिस्सा देख सकते हो, पीले कलर का आपको इसका गर्दन का निचला हिस्सा दिखेगा। तो ये है स्ट्रिप्ड कील बैक। तो ऐसे ही जहाँ से हमने इसको रेस्क्यू किया है, इस एरिया में हमने बहुत बार सांपों का रेस्क्यू किया है, और हमारे एरिया में ज़्यादातर मतलब इस एरिया में रैट स्नेक ज़्यादा है, तो आज ये एरिया में पहली बार हमको ये स्ट्रिप्ड कील बैक मिला, और हम उन लोगों का मतलब शुक्रिया अदा करते हैं कि जो लोग इसके ऊपर नज़र रखते हैं और थोड़ी सी हिम्मत दिखा के उस पर नज़र रख के हमको कॉल करते हैं, लेकिन उसको मारते नहीं। तो हमारी जो मुहिम है जो सांप बचाने की, तो ये हमारी जो मुहिम है काफ़ी रंग ला रही है, इसकी वजह से हम लोगों को बता रहे हैं कि यह बचेगा तो पर्यावरण बचा रहेगा, और पर्यावरण बचा रहेगा तो हम बचा रहे। और जिन्होंने हमको कॉल करके बुलाया, तो उनको उनसे आपको एक बार मैं मिला देता हूँ सामने, तो जिन्होंने इसके ऊपर नज़र रखी और काफ़ी हिम्मत दिखाई और मुझे सही वक्त पे कॉल किया, और मैंने इसको सही सलामत इसको रेस्क्यू किया, तो आपको मैं उनसे एक बार मिलाता हूँ। एक बार आप फिर से देख लीजिए, स्ट्रिप्ड कील बैक मराठी में इसको नानीटी बोलते हैं। और नॉर्मली ये जो सांप है, नॉर्मली ये काटता नहीं है, ये बिल्कुल भी एग्रेसिव होता नहीं है, लेकिन एक आध बार, लेकिन अगर जब ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है तो काफ़ी बाइट ज़ोरदार लेता है और काफ़ी तेज़ दर्द होता है इसका, ये बात ध्यान में रखो। इस तरफ आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई इसको मजाक में पकड़ने की कोशिश ना करे, नुकसान इससे कुछ नहीं है। तो एक मिनट ब्लास्ट कट जाएंगे। तो जिन्होंने इसके ऊपर नज़र रखी, मुझे कॉल करके बुलाया, एक बार मैं उनसे मिला देता हूँ आपको। तो ये हमारे जो मेरा जो फोटो स्टूडियो है उनके सामने उनका घर है, और हमारे जो इनका नाम है जगताप,
जगताप साहब है, तो इन्होंने इसके ऊपर नज़र रखी और मुझे फ़ोन किया। मुझे आने में कम से कम एक 10 मिनट लगे और 10 मिनट तक इन्होंने इसके ऊपर नज़र रखी और बिल्कुल इसको मारने की कोशिश नहीं की। उल्टा बाकी जो वहाँ पे जो लोग जमा हो गए उसको उन्होंने अपील किया कि आप शोर शराबा मत करो और बाकी किसी लोगों को इकट्ठा मत करो। जो मैंने कॉल किया है तो मैंने आने के बाद इसको सही सलामत रेस्क्यू किया इनके सामने, तो आप देख सकते हो ये मेरे साथ हैं। तो स्ट्रिप्ट किल बैक, मराठी में नानेटी, इंग्लिश में सीतालट सांप, और ये सांप जो होता है काफ़ी चुलबुला यानी काफ़ी एग्रेसिव काफ़ी फुर्तीला होता है ये, इसको स्पीड काफ़ी होती है, ये एक मिनट में बहुत तेज़ी से इधर उधर भाग जाता है। तो फिलहाल ये कुछ खाने के चक्कर में आया होगा और वहाँ पे उसको कुछ सेफ जगह मिली इसलिए वहाँ पे उसने अपना एक आसरा बनाने की कोशिश की। तो इसको हम लोग सही सलामत अभी इसको इसके नेचर में छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह सांपों पर नज़र रखो, सांपों को मारिए मत, पर्यावरण की रक्षा कीजिए, पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। नमस्कार। तो देखा आपने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने जो स्नेक को रेस्क्यू किया था अभी, स्ट्रिप्ट किल बैक जिसको मराठी में नानेटी बोलते हैं, तो उसको अभी मैंने जाके तुरंत उसको रिलीज़ कर दिया। मैंने अभी उसको सही सलामत उसके नेचर में मैंने वापस छोड़ दिया। तो ये वीडियो वापस से आपके सामने आने का मतलब ये है कि आपको एक बात बता देता हूँ, कभी कभी जब कोई जो नॉन वेनमस सांप है जब वो पूरी ताकत से जब बाइट लेता है, पूरी ताकत से जब वो बाइट लेता है, तो लेने के बाद कभी कभी क्या होता है उनके मुंह में जो छोटे छोटे बहुत सारे दांत होते हैं और उसके अंदर से जो ऊपर के जो उसके जो दो जो दांत होते हैं, तो कभी कभी उसके जो स्टार्टिंग के जो दोनों दांत होते हैं कभी कभी वो ज़्यादा डीपली गड़ जाते हैं आदमी। तो वो गड़ने से क्या होता है कि जो नए सिर्फ मित्र या अगर कोई जो दूसरे जो लोग हैं जिनको उसके बारे में जानकारी नहीं है, जब उनको अगर वो काट लेता है तो उसके बाद उंगली के ऊपर एक ऐसा निशान आता है कि जो दिखने में ऐसा लगता है कि किसी वेनमस स्नेक ने काटा है और आदमी घबरा के वहीं पे उसको हार्ट अटैक आ जाता है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ये दिखाने का मतलब है कि देखिए जब उसने मुझे काटा, तो काटने के बाद मैंने उसको पहले रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने के बाद मैंने साबुन से अच्छी तरह पहले हाथ को धोया और धोने के बाद मेरे नज़दीक सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके मैंने टीटी का इंजेक्शन लिया, एंटीबायोटिक गोलियाँ ली 1-2-3 और एक पेन किलर गोली ली, क्योंकि जब उसने बहुत ताकत से मुझे काटा तो उंगली में काफ़ी दर्द होता है और दर्द अभी भी हो रहा है क्योंकि उसने काफ़ी ताकत से डर के मुझे काटा और उस वक्त मैं उसको खींच नहीं सकता था क्योंकि उससे वो डैमेज हो सकता था और उसके दांत भी टूट सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इसके लिए हमको डर नहीं लगता। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो सर्प मित्र नहीं है और जो नए नए सर्प मित्र इस लाइन से जुड़े जिसको इसका नॉलेज नहीं है, तो वो घबरा के उनको अटैक से उनकी मौत भी हो सकती है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कि जब उसने मुझे काटा तो काटने के बाद मेरी उंगली में दर्द हो रहा है, तो दर्द होने के बाद उसके ऊपर दो निशान भी आते हैं। तो देखो वो जो निशान दिखते हैं वो निशान देखो आप देख सकते हो आप, तो ये जो निशान है ये एक जो वेनमस जो होता है वेनमस सांप की तरह आपको ये निशान दिखाई देगा। ये देखो ये दो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब कोई जहरीला सांप जब काटता है तो काटने के बाद आपको ऐसे दो निशान दिखाई देते हैं, तो ये निशान दिखाने के बाद आदमी को यह पता चल जाता है कि उसको एक वेनमस सांप ने काटा है। लेकिन जो सही तरीके से जिसको इसका नॉलेज है, जो जानकार है, तो ये उसी को पता है कि वो नॉन वेनमस है क्या वेनमस है। और दूसरी बात आपको ये बोल देता हूँ कि बाई चांस अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगर आपको कोई सांप काट लेता है और अगर आपको ऐसे दो निशान अगर अलग जैसे अभी जो निशान आपको मैंने आपको दिखाया, आप इसको एक बार इसको ठीक से देख लो, तो जब आपको ऐसे अगर दो निशान जब दिखाई देते हैं तो दिखाने के बाद एकदम घबराना नहीं बिल्कुल भी। अगर वो वेनमस सांप होगा, अगर वो जहरीला सांप होगा, तो कम से कम 20 से 25 मिनट में आपके हाथ में रिएक्शन आपको दिखाई देगा। रिएक्शन ये होगा कि आपके हाथ में धीरे धीरे पहले सबसे पहले तेज़ दर्द होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपकी जो ये उंगली है ये सूजने लगेगी और उंगली सूजने के बाद एक आधे घंटे तक आपका जो हाथ है ये काफ़ी सूज जाएगा, इतना मतलब ये जो अपना जो हाथ है उससे वो डबल हो जाएगा। तब आपको ये यकीन होना, तब आपको ये पता चल जाता है कि आपको एक वेनमस सांप ने काटा है। लेकिन कभी कभी नॉन वेनमस सांप जब आपको ज़ोरदार बाइट लेता है और लेने के बाद जब वो भाग जाता है, तो आप जब हाथ धोते हो तो कभी कभी ऐसे दो निशान दिखाई देते हैं जैसे मैंने अभी दिखाया आप, तो ये निशान देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको 25 मिनट तक 20 मिनट तक आधे घंटे तक अगर कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई अगर जलन नहीं हो रही ज़्यादा दर्द, या अगर आपकी उंगली नहीं सूज रही, सूजन नहीं हो रही, आपके हाथ एकदम सही सलामत है, तो कम से कम आपको ये तसल्ली हो जाती है कि वो नॉन वेनमस सांप है। तो फिर भी आपको सरकारी हॉस्पिटल जाना है और जाने के बाद वहाँ पर जाके एक टीटी का इंजेक्शन लेना है। टीटी का इंजेक्शन लेने के बाद एक पेन किलर की गोली भी ले लो आप, ताकि आपको थोड़ा सा राहत मिले। तो टीटी का इंजेक्शन इसके लिए लेना है कि उनके मुंह में जो होते हैं उनके बैक्टीरिया होते हैं, जो भी सांप जो खाते हैं, ये छिपकली, मेंढक, गिरगट, कीड़े मकोड़े, ये सब जो चीज़ खाते हैं, इसकी वजह से उनके मुँह के अंदर काफ़ी मात्रा में बैक्टीरियाज होते हैं। तो वो बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में अपने ब्लड में मिक्स होता है तो हो सकता है सेप्टिक हो सकता है या कुछ भी, मतलब छोटा मोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंसान की जान जाती नहीं है। तो ये बताने का मकसद मेरा यही था। तो जब भी आपको कोई सांप काटता है तो घबराओ मत, और अगर आपको 100% इसका नॉलेज है तभी उसको पकड़ने की कोशिश करो। मतलब ये सिर्फ सर्प मित्र के लिए बोल रहा हूँ।
लोगों से तो हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि खाली उसके ऊपर नजर रखो, अगर आप उसको पहचान भी लेते हो तो उसके ऊपर नजर रखो, उसे पकड़ने की कोशिश कतई नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा है। ये जो काम है पूरे नॉलेज के साथ, पूरे प्रशिक्षण के साथ, इसके ऊपर पूरा हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसके ऊपर काफ़ी हमको डीप नॉलेज है, इसकी वजह से हम लोग ये काम करते हैं। और वो नॉन वेनमस सांप होता है, इसकी वजह से हम लोग उसको इजीली हाथ में ऐसा धीरे से हैंडल करते हैं ताकि आपको नज़दीक से दिखा के उसकी जानकारी दी जा सके। अगर वो पॉइजनस सांप होगा तो उसको हम लोग ऐसे हाथ में प्यार से हैंडल नहीं करेंगे, उसको हम आपको दूर से दिखाएंगे, क्योंकि हम उसको कितना भी प्यार से हैंडल करेंगे, अगर उसने काट लिया तो वो उससे हमारी भी जान जा सकती है, अगर हमने टाइम पर इलाज नहीं किया तो। इस बात को आप ध्यान में रखो, कभी भी कोई सांप काटता है तो घबराओ मत, सबसे पहले सीधा हॉस्पिटल जाओ। अगर वो वेनमस है, टाइम पे इलाज होएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉन वेनमस है तो उसमें कोई मतलब घबराने की बात नहीं है। तो ये आपको दिखाने का मतलब ये था कि कभी कभी अगर ऐसे कोई निशान दिखाई देता है और नॉन वेनमस सांप आपको जब काटता है तो ऐसा हो सकता है कभी कभी निशान दिखाई देता है, बाकी निशान मिट जाते हैं, जो दांत एकदम डीपली जब गड़ जाते हैं तो वो दो निशान दिखाई देते हैं, तो उससे ये नहीं समझना कि वो मुझे किसी वेनमस सांप ने काटा है, क्योंकि अगर वेनमस सांप ने काटा तो 20-25 मिनट में आपको रिएक्शन हो जाता है और कम से कम एक घंटे डेढ़ घंटे तक अगर आपका इलाज नहीं हुआ तो आपकी मौत हो जाती है। ये बात ध्यान में रखो, तो सरकारी हॉस्पिटल जाना है चाहे सांप कोई भी काटे। और दूसरी बात, जितने भी हमारे नए सिर्फ मित्र हैं, ये खास उनके लिए बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नए नए इस लाइन से जुड़े हैं उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है और वो पकड़ने की कोशिश करते हैं उसको, और उसमें उसको बाइट हो जाती है तो वो घबरा जाते हैं काफ़ी। तो ऐसा करना नहीं है, जब आपको 100% नॉलेज है तभी उसको पकड़ना, जब तक आपको नॉलेज नहीं उसको हाथ नहीं लगाना। तो बस मेरी यही लोगों से एक गुजारिश है, एक विनती है, और आखिरी में एक बार फिर से बोलूँगा कि जितना हो सके पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, जितना हो सके कोशिश करें पर्यावरण को बचाने की, क्योंकि अगर पर्यावरण बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे, और हम बचे रहेंगे तो बस ये दुनिया चलती रहेगी। जय हिंद, जय पुणे, जय महाराष्ट्र।